हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू की तरफ से नारनौद में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा ने देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना ये जागृत की है। हर युवा, नौजवान, बुजुर्ग और महिला सहित हर वर्ग का नागरिक इस यात्रा में उत्साह से हिस्सा भी ले रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगा यात्रा में युवाओं सहित हर वर्ग ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। युवा वर्ग जान चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही युवाओं सहित हर वर्ग और देश के लिए ये सुरक्षित है, देश के हित के लिए सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक, आंतरिक और सामरिक रूप से मजबूत हुआ है। हमारे पड़ोस में जहां सरकारें अस्थिर हो रही हैं, वहीं बीजेपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व में कस्बे में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है और पूरा नारनौद आज तिरंगा में हो रहा है। करेंगे खास बातचीत कैप्टन अभिमन्यु से। सर, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है इस तिरंगा यात्रा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश भर में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसमें आपका स्वागत है। इस भव्य तिरंगा यात्रा में इस वंदे मातरम की गूंज के अंदर आपका स्वागत है। सर, तो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं इसका राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा? किस चीज का? तिरंगा यात्रा का राजनीतिकरण? तिरंगा यात्रा का राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है? तिरंगा यात्रा तो है, ये देश के लिए है जी। देश के शहीदों के सम्मान के लिए है। देश के स्वतंत्रता समर में जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, उनको श्रद्धा स्वरूप है और ये देश के प्रति समर्पण का संकल्प है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस सामने है और हर वर्ष हम तिरंगा यात्रा को निकालते रहे। आपने तो देखी थी, यहाँ तो कंबाइन के ऊपर तिरंगा यात्रा निकली थी इस नारनौद के अंदर, जब तक तो कोई चुनाव नहीं था जी। तिरंगा यात्रा में काफी भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या कहोगे? अद्भुत, अद्वितीय और तमाम नारनौद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक सभी गांव से, हर बूथ से यहाँ पर कार्यकर्ता तिरंगा लेकर के पहुंचे और वापिस घर जाकर के अपने घर पर ये तिरंगा का ध्वजारोहण करने का काम करेंगे। और सब बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़ी जोश के साथ, बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहने पहुंची है। 36 बिरादरी का यहाँ पर आपको समागम देखने को मिला है जी। 2 दिन पहले ही यहाँ पे एक कांग्रेस की बड़ी रैली हुई है, रैली को लेकर आपका क्या कहना है? तो बहुत रैलियां हुई और बहुत होएंगी। हम देश के लिए सोचते हैं, हम देश के लिए करते हैं। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, उनके लिए उनके गुट सर्वोपरि है, उनके लिए उनके अपने अपने जो गिरोह है वो सर्वोपरि है, अपने गिरोह के सरगना सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है जी। जल्द ही विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर कैप्टन अभिमन्यु ने क्या रोड मैप तैयार किया है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जहां पार्टी आदेश देगी, बूथ स्तर तक भी कार्य करने का काम करूंगा। मेरा रोड मैप ये, मेरे देश का केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश का जो प्रभारी का जो टोली है, उसकी रणनीति पर हम काम करेंगे और हमको जहां कहेंगे वही हम उस बूथ के ऊपर जाकर के हम काम करेंगे जी। ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी। इन्होंने बताया है कि जो तिरंगा यात्रा निकली है, इसमें युवाओं में का भारी जोश है और यही जोश आगे भी बना रहेगा। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान। नारनौद में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी के नेतृत्व में और उनके बेटे सात्विक से करते हैं खास बातचीत जी। आज जो यात्रा है, युवाओं में खासा जोश लग रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये युवाओं का भाईचारा है, युवाओं का प्यार है, कैप्टन साहब को लेकर युवाओं का साथ है और एक भरोसा है कि कैप्टन साहब ने जिस रफ्तार से विकास किया था, उसी रफ्तार से इस बार युवाओं का भी विकास है, वो उनकी गारंटी है। यानी विकास की जो रोजगार की गारंटी दे रहे हैं ना, रोजगार की गारंटी कैसे दे रहे हैं आप? ये कैप्टन साहब के और भाजपा सरकार के जो रोजगार को लेकर के जो प्लान है, नायब सैनी जी के जो प्लान है, कैप्टन अभिमन्यु जी के जो प्लान है कि रोजगार की रफ्तार को कैसे कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे हरियाणा को विकसित बनाना है, यहाँ से विकास की जो किरण निकली है, कैसे आगे रोजगार आएगा, इसमें और इंडस्ट्रीज आएंगी, उसके लिए जो बेस फाउंडेशन सेट करी जा रही है जिससे फ्यूचर प्रूफ होगा हमारे आगे यूथ, उसके प्लान्स को लेकर के युवा उसमें भरोसा रखे हुए लगातार आप जा रहे हैं। युवाओं में कैसा जोश है भाजपा को लेकर? आप युवाओं का जोश आज देख ही रहे हैं जी, युवाओं में जोश ही बहुत भरा हुआ है। ये थे अपने विनू के बेटे साध्वी सिंधु जी, इन्होंने बताया कि युवाओं में खासा जोश है और अब की बार यहाँ पर कमल पक्का खिलेगा। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान।